केसरी नंदन के मुख से माँ का उच्चारण सुनते ही अंजना भावुक हो गई। महामना सुमंत्र जी वानर राज केसरी के पास एक शुभ समाचार के साथ आए। उन्होंने महाराज दशरथ के पुत्रों के नाम भी बताए। जैसे ही राम नाम की गूंज हनुमान लला के कानों तक पहुंची, उनके शरीर में एक अद्भुत विकास होने लगा। आपने तो कहा था कि आपके पुत्र का जन्म अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, तो फिर ये बालक तो हमारे पुत्र पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है, इसीलिए ये अद्भुत है। ब्रह्मांड के कण कण में रम रहा उस परम तत्व अर्थात हमारे स्वामी का एक नाम ये भी है राम। गुरुदेव ब्रह्मश्री वशिष्ठ ने मुझे ये राम नाम देकर सबसे बड़ा लोकहित का कार्य किया है। भोले बाबा ने इस राम नाम को तारक मंत्र भी कहा है और सारे युगों में विशेषकर कलयुग में मुझे पाने का सबसे सरल और सुगम उपाय है ये राम नाम। नाम की महिमा अपार है। एक और प्रिय हनुमान राम नाम में मग्न होकर समाधिस्थ हो गए और दूसरी ओर वाली अपने ही दिए हुए नाम मरकट से ऐसा चिपका कि दिन रात उसी के चिंतन में रहने लगा। किन विचारों में मग्न हो भैया? इतने छोटे शिशु में कैसा अपार बल है, कहां से पा गया इतना बल? स्मरण कीजिए कैसे उस दिन वो उस भारी गदा को उठाकर पुष्प के समान उछाल रहा था। वो तो एक ही गदा उछाल रहा था, किंतु आपकी तो एक गदा दो के समान है। आपका बल तो अतुलनीय है भैया। पर फिर भी ना भैया, मुझे लगता है हमें वापस सोच विचार कर वापस कोई योजना बनानी चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो सुग्रीव, स्पष्ट कहो। भैया आप किस किंधा के युवराज हैं और आपके प्राणों पर किसी भी तरह का कोई भी संकट ना आए, यही मेरा दायित्व है। मेरे प्राणों पर संकट? तुम उस हथेली भर के बालक से मुझे भय दिखा रहे हो? महानतम वाली को भय, प्राणों का भय? भैया मेरे बात की आत्मा पर ध्यान दीजिए। हमें अपने शत्रु को अच्छी तरह से जानकर उनके बल को और परख कर फिर आक्रमण करना चाहिए। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं। अग्रज कौन आप? बलशाली कौन आप? बुद्धिमान कौन आप? तो फिर मैं महानतम बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि किसी भी शत्रु को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। मैं महानतम बहुत विचार कर इस निर्णय तक पहुंचाऊं कि हमें उस मरकट को अच्छी तरह जानकर उसके बल को परख कर ही उस पर आक्रमण करना होगा।
कितना अद्भुत संयोग है वाली भैया, आप आखिर वही निर्णय पर आए जिसकी ओर मैं संकेत कर रहा था। और जब हम कंचनाप को और जानेंगे, निश्चित वाली भैया आप भी उसकी मोहिनी मुस्कान की जाल में पड़ ही जाएंगे और आपका हृदय भी द्वेष से दहकने से विपरीत प्रेम से छलकने लगेगा। क्या सोच रहे हैं हृदयनाथ? अपने पुत्र के बारे में सोच रहा था। उसे अद्भुत कहूं या विचित्र? हां, देखिए ना, हमारा पुत्र अभी कुछ ही दिनों का है, किंतु आकार, बल और बुद्धि 5 वर्ष के बालक जैसी हो गई है। अरे हाँ, ये बताइए, सुमंत्र जी ने क्या नाम बताए थे महाराज दशरथ के राजकुमारों के? सबसे छोटे शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, और सबसे बड़े पुत्र का नाम राम। चारों नाम बहुत ही सुंदर हैं, किंतु राम, यह नाम कितना मधुर, शांतिदायक और सुखद है। तुम ठीक कह रही हो प्रिये, कितनी शीतलता है इस नाम में, राम। हम भी अपने केसरी नंदन का ऐसा ही कोई नाम रखेंगे। किंतु परंपरा? किंतु परंपरा क्या? हमारे कुल की परंपरा है, पुत्र अपने नाम का चुनाव स्वयं ही करता है। इस विषय में आपने पहले तो कुछ नहीं बताया। अवसर आने पर बात कहने का एक अलग ही आनंद है और महत्व भी। तुम स्वयं ही देख लेना, जब पुरोहित जी अंजने से उसका नाम कहलवाएंगे। प्राणवल्लभ, क्या आपको भी यह सुर सुनाई दे रहा है? हाँ, कोई राम नाम का जाप कर रहा है। ये राम नाम के जाप की ध्वनि इसी कक्ष से आ रही है, परंतु इस कक्ष से कहां से? राम, राम,
इसकी सांसों में चल रहा है राम। किस विचार में डूबे हैं आर्यपुत्र? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अपने पुत्र अंजने के बारे में सोच रहा था। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि कृपा निधि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है इस पर, किंतु ये जो राम नाम हमारे पुत्र के हृदय में रच बस गया है, उसका क्या संबंध है हमारे पुत्र के साथ? देखो, नींद में भी राम नाम सुनकर कैसे आनंदित हो रहा है। हमारे पुत्र के नित्य नए चमत्कार से मैं भी अचंभित हूं। हमारे पुत्र का जन्म अवश्य किसी महान कार्य के लिए हुआ है। हम तो केवल माध्यम हैं। भगवान की लीलाएं भगवान ही समझ सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो प्रिय, प्रभु की लीला हम प्राणियों की समझ से परे है, परंतु क्षमा कीजिए आर्यपुत्र, आप पिता पुत्र के चक्कर में मेरी पूजा में विलंब हो गया। हाँ, देखो ना, बातों बातों में समय का पता भी नहीं चला। मैं भी चलता हूं। जा रहे हो? अरे अरे रुक जाइए लल्ला, अरे रुक जाइए। सर्वजगतमीश्वरोवन्धमोक्षयोः तं त्वामरचन्ति कुशला
अंजने को आने दीजिए दाई माँ। बिना इधर देखे महारानी को कैसे पता चल गया कि माँ हूं मैं इसकी, और एक माँ मन की आंखों से सब देख लेती है। स्नान किए बगैर भगवान को जलाभिषेक नहीं कर सकते। क्यों माँ? क्योंकि भगवान की पूजा करने के लिए शरीर शुद्ध, वस्त्र धुले हुए और मन निर्मल होना चाहिए। बच्चों का मन सदैव ही निर्मल होता है, चाहे वो कितने ही नटखट क्यों ना हो। बचपन भी कितना भोला होता है। बचपन भोला अवश्य होता है, किंतु बुद्धि ही नहीं होता। अर्थात? अर्थात केसरी नंदन के भोलेपन और नटखट लीलाओं पर मत जाइए आप लोग। इस भोलेपन के पीछे छिपी बुद्धि बड़ी तेज है। स्नान कर लिया हमारे पुत्र ने। माँ लोटा दो ना, जल अभिषेक करना है। दो ना माँ।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.